नोएडा से खबर, जहां बिल्डर अपार्टमेंट के स्ट्रक्चर ऑडिट की लगातार मांग उठ रही। नोएडा में दर्जनों अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भरने की समस्या इन दिनों सामने आ रही है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सेक्टर 75 की गोल्फ एवेन्यू की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। बेसमेंट का पानी और गंदगी से यहां बुरा हाल है। बिल्डिंग की गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश के मौसम में जलभराव और प्लास्टर गिरने की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तो यही प्रॉब्लम है कि बारिश होते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखिए पार्किंग में, यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे टपकता रहता है और कई बार तो इतना तेज होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, हम पैर रखने की जगह नहीं होती। और अभी ये देखिए कितना यहाँ पे पानी स्टोर हो गया है, इससे मलेरिया डेंगू उस पर मच्छर फैलेंगे, कितना डेंजरस है बच्चों के लिए, सुबह स्कूल छोड़ना जाना मुश्किल हो जाता है इतना पानी यहाँ गिरता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जगह जगह सीपेजेस हो रही हैं, आप यहाँ इंटरनल देख रहे हैं, बेसमेंट में है। आप बाहर जाके किसी भी टावर को देखिए, आपको पैचेस दिखेंगे सीमेंट के, और ये हर 3 महीने में आपको पैचेस वो रीअपियर कराते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 2 साल में फ़िक्स किया उसको और उसके बाद चल रहा है, नहीं, हर 3 महीने में उसको फिक्स करने की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह सीपेज हो रही है, हर फ्लोर पर, इनफैक्ट हर टावर में, हर फ्लैट में, कोई फ्लैट ऐसा नहीं है जहाँ सीपेज की प्रॉब्लम नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों ऐसे बिल्डर अपार्टमेंट हैं जहां लोगों ने ये सोचकर अपने सपने का आशियाना लिया था कि अपने परिवार के साथ वो इत्मीनान से रहेंगे, तमाम सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन वो जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 134 की कोसमोस 10, ये सोसाइटी है, उसी के अंदर के बेसमेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए इस पिलर की स्थिति, देखिए किस तरीके से ये हालात यहाँ पर हुए हैं। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 से 3 साल यहाँ पर लोगों को रहते हुए हुआ है। इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो 5 से 6 हज़ार परिवार यहाँ पर रहते हैं, और जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि लगातार इस बात का डर बना रहता है कि जिस फ्लैट के अंदर वो रह रहे हैं उसमें बालकोनी से या छत के प्लास्टर से छूटकर उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। कई जगहों पर इसी तरीके की स्थिति है, और अगर बेसमेंट में जो पिलर है उन पर लगातार बिना बरसात के भी इसी तरीके से पानी यहाँ पर रहता है। जल भराव अभी भी है, आज हालांकि बारिश नहीं हुई है, कल भी बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। यहाँ के रहने वाले लोगों का यही कहना है कि बरसात के दिनों में पूरी तरीके से यहाँ पर जल भराव होता है, और अगर इसी तरीके का जल भराव होता रहा तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, बेसमेंट जो पिलर हैं जिन पर ये इमारत टिकी हुई है, उनको खासा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन संबंधित विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है और ना ही बिल्डर की तरफ से। फिलहाल इन लोगों की जान खतरे में बनी हुई है और सभी लोग डर का महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।